कोरोना संकट के दौरान दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट में स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट से बरामद हुए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स मामले की जांच को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच अब इस गोरख धंधे की कड़ियां जोड़कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करेगी। आपको बता दें कि राजधानी के बेहद पॉश इलाके खान मार्केट में दिल्ली पुलिस ने कई मशहूर रेस्टोरेंट में छापा मारा। इन जगहों पर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए गए। टाउन हॉल रेस्टोरेंट के अंदर साउथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां से 9 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिले। इसके अलावा खान चाचा रेस्टोरेंट में भी पुलिस ने छापा मारा, जहां से 96 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए गए। इस मामले के आरोपी हितेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने खान मार्केट के टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। यहां से बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरण भी बरामद किए गए। वहीं खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिलने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। इस रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 3 नामी गिरामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 524 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए हैं। इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट स्थित नेगे एंड जू बार से बरामदगी शुरू हुई थी। कालरा एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा, नेगे एंड जू और टाउन हॉल रेस्ट्रो बार और मिस्टर चाओ से जुड़े हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत कालरा ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का काला धंधा करता था। इस पूरे मामले के तार अब गगन दुग्गल से जुड़ रहे हैं, जो लंदन में रहता है। जानकारी के मुताबिक गगन दुग्गन उसी नवनीत कालरा का पार्टनर है, जो अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेच रहा था। गगन दुग्गल लंदन में रहता है और मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स कंपनी सिम कार्ड बनाने का काम करती है। गगन दुग्गल के मंडी विलेज के खुल्लर फार्म हाउस छतरपुर से ही पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किए थे। गगन दुग्गल की मैट्रिक्स कंपनी के नाम से ही ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 20,000 रुपए प्रति पीस के हिसाब से भारत में इंपोर्ट किए गए थे, और अब वही ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 50,000, 60,000 और अधिकतम 70,000 रुपए के रेट पर जरूरतमंद और परेशान लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चीन से लाए गए थे। दिल्ली का बिजनेसमैन नवनीत कालरा लंदन में बैठे मैट्रिक्स के मालिक के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस काम में क्लासिक मेटल्स कंपनी, इसका ऑफिस दिल्ली के समयपुर बादली में है, मैट्रिक्स सेल्यूलर इंटरनेशनल सर्विस कंपनी, इसका ऑफिस दिल्ली के मंडी हाउस में खुल्लर फार्म में है, और स्पाइसजेट मर्चेंडाइज पीवीटी एलटीडी, इसका ऑफिस गुरुग्राम में है कंपनी शामिल है। मैट्रिक्स कंपनी के मालिक का नाम गगन दुग्गल बताया जा रहा है, जो कि जानकारी के मुताबिक इस वक्त लंदन में है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग अब तक 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेच चुके थे। जानकारी मिली है कि बार के मालिक नवनीत कालरा के नेताओं से भी संबंध है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में सामने आया है कि नवनीत कालरा और उनके साथी गगन दुग्गल ने मैट्रिक्स सेल्यूलर की सहायता से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अवैध तरीके से आयात किए। विदेशों में संपर्क होने की वजह से आरोपितों को पहले से ही अनुमान था कि भारत में भी तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, जिसके चलते उन्होंने दिसंबर से ही कंसेंट्रेटर आयात करने शुरू कर दिए थे। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंटों को पिकअप पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया। क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच जल्द नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर सकती है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।